हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ पापिया। आज मैं बंगाल की समर सीजन स्पेशल एक दाल की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। बंगाल में ज़्यादातर दोपहर की लंच में यही दाल बनाया जाता है गर्मी के दिनों में मुँह की टेस्ट को वापस लाने के लिए। तो इसके लिए तीन मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, दैट इज़ करेला, मूँग की दाल और लेमन की पत्ता। और चाहिए हमें अदरक चाहिए, और तड़के के लिए सरसों और मेथी दाना। कच्चा वाला मूंग दाल ही लेना है हमें, और अच्छे से वॉश कर लेना है इसको, पानी से दो तीन बार धो लेना है। ऐसे दो तीन बार धोने के बाद ये वाइट जो पानी निकल रहा है ना, ये एकदम क्लियर पानी हो जाना चाहिए, तब तक हमें धोना है। धोने के बाद इसको बॉईल कर लेना है, ऐसे पानी डाल के, सिर्फ नमक डाल के बॉईल करना है। जो भी मेरे चैनल में नए हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो लाइक शेयर और कॉमेंट भी कर देना। थैंक यू। बंगाल में इस दाल को तेतोर दाल बोलते हैं। ये देखिए, जैसे इसमें उबाल आ जाता है, इसमें एक झाग जैसा आता है, इसे हमें फेंक देना है। ये जो झाग दिखाई दे रहा है ये फेंक देना है, और इसके बाद कुकर की कवर कर देना है। अब दाल बॉईल हो रहा है, चलिए तब तक करेले को काट लेते हैं, और इसे रिंग साइज में ऐसे पतला पतला काट लेना है हमें। और इसके साथ इसका जो सीड्स है मैं निकाल दे रही हूँ, और ऐसे भी ये बहुत ही एकदम फ्रेश है, एकदम ताज़ा है, तो इसमें सीड्स ज़्यादा नहीं है। फिर भी हमारे घर में सबको पसंद नहीं है, तो मैं सीड्स निकाल के फेंक दिया है। दाल बॉयल हो गई है, 80% दाल को हमें बॉयल कर लेना है। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ करेला जो मैंने रिंग शेप में काट के रखा था, इसे फ्राई करना है। नमक और हल्दी देके इसे फ्राई कर लेना है हमें। बहुत कम तेल में मैं फ्राई कर रही हूँ, ये ग्रीन ग्रीन ना रहे वो देखना है। अभी देखिए मेरा करेला फ्राई हो गया है, तो उसी को साइड में रख के मैं तेल और उसमें थोड़ा सा तेल डाली हूँ, और उसमें दिया है मैंने सूखा मिर्ची और तेज पत्ता। इसका तड़का मैंने दिया है, इसके साथ सरसों और मेथी दाना भी मैंने तड़के में दे दिया है। अच्छे से दोनों का फ्रेग्रेंस एरोमा आ जाए, तो उसके बाद करेला के साथ इसको फ्राई करना है, और करने के बाद इसमें बॉईल किया हुआ दाल डाल देना है। हमने दाल को 80% ही कुक किया था, और उसमें भी नमक डाला था, करेला में भी नमक डाला था, तो आप लोग टेस्ट अकॉर्डिंग देख लेना कि अभी दाल में कितना डालना है। मैं थोड़ा पतला पसंद करती हूँ गर्मी में, तो इसलिए मैंने थोड़ा पतला किया है। आपको गाढ़ा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दे के भी कर सकते हो। बॉईल आ गई है, तो मैं इसमें अदरक की पेस्ट थोड़ा डाल दी हूँ। अभी ये जो लेमन का पत्ता मैंने लिया था, इसको हाथों में थोड़ा मसल के इसमें डाल देना है, ताकि इसका जो फ्रेग्रेंस है वो उसमें आ जाए, और एक अच्छा सा एरोमा देता है इसमें। थोड़ी देर के लिए मैंने स्टैंडिंग टाइम दिया था, इसके बाद दाल हो गई है, तो मैंने सर्विंग बोल पे ट्रांसफ़र कर दिया है। चावल, बैगन भाजा, भिंडी की सब्जी, पापड़ के साथ मैं ये दाल को सर्व कर रही हूँ। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।